ए माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म भक्ति। दोस्तों आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा का उपाय टोटके बहुत ही सिद्ध और कल्याणकारी माने जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से यह उपाय करता है तो उसके घर में धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। पूर्णिमा के दिन दोस्तों चंद्रमा जो है अपने पूर्ण आकार में होता है। यह दिन माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्यारा होता है। इस दिन यदि कोई भी श्रद्धा और विश्वास से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक उपाय करता है तो माँ लक्ष्मी उसपे अवश्य ही वरदान देती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दोस्तों पूर्णिमा के अचूक उपाय, पूर्णिमा के टोटके बताएंगे जिनके करने से आपको अवश्य ही लाभ होगा। दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्यारा होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से जातक को जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, दोस्तों पूर्णिमा के दिन सुबह लगभग 10 बजे पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। जो भी व्यक्ति इस दिन सुबह उठकर ध्यान दे दोस्तों, सुबह उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा रख कर मीठा जल अर्पण करके धूप अगरबत्ती जलाकर माँ लक्ष्मी का पूजन करता है, माता लक्ष्मी को अपने घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित करता है, तो उस जातक पर माँ लक्ष्मी की कृपा साक्षात बनी रहती है और उसके घर में धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। सफल दाम्पत्य जीवन के लिए प्रत्येक पूर्णिमा को पति पत्नी में कोई भी चंद्रमा को दूध का अर्घ अवश्य देना चाहिए। दोनों एक साथ भी दे सकते हैं, इससे जीवन में दाम्पत्य जो है जीवन सुखमय बना रहता है। जिस भी व्यक्ति को जीवन में धन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता हो उसे पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर अर्घ देना चाहिए, अर्थात चंद्रमा के सामने रख दे और दूध से अर्घ दे दोस्तों, तो उस व्यक्ति की साक्षात लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो दोस्तों ये छोटे से कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें पूरी श्रद्धा से अगर कोई भी व्यक्ति करता है उसकी मनवांछित इच्छा अवश्य पूरी होती है। उम्मीद है आज की जानकारी आपके लिए कारगर साबित हुई। तो चैनल को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।